सो अभी अपन निकल रहे हैं तीर्थ वैली की तरफ और गाड़ी की माइलेज अपन चेक करेंगे। गाड़ी का फुल टैंक है, ठीक है, अपना रेड भी रेडी है। ये हमारा छुटकू रेडी हो रहा है, फ्रेश हो रहा है। हमारे महाराजा स्कूबी सर के लिए देखो हमने क्या जुजुबान निकाला है, सोने का। सारे बैग यहाँ से लगा दिए हैं ताकि सर जी यहाँ सो जाए, यार नहीं तो हम में से कोई बंदा भी सो जाएगा उसका बहाना लेके। और शॉल भी वहाँ पे रख दी है ओढ़ने के लिए, स्कूबी का कंबल है, स्कूबी को ओढ़ना हो, शॉल हमारी है, और नहीं तो आगे बैठ जाएंगे अपन। अभी अपन सिर्फ हार्डली 34 किलोमीटर्स आए हैं मेरे घर से, और इतनी देर से अपन इसी जाम में फंसे पड़े हैं। ये अपना फार्मर वाला जो प्रोटेस्ट था उसके चक्कर में अभी तक आधा घंटे से तो मैं इसे 24 मिनट देख रहा हूँ प्लस होते हुए, पता नहीं कौन से साल में ये क्लियर होगा। अभी हमारे स्कूबी भाई घूम रहे हैं यहाँ पे, हमारा पहला ब्रेक है ये नीलकंठ करनाल ढाबा पे, क्योंकि स्कूबी बहुत देर से परेशान हो रहा था और सुसु आ रहा होगा इसको, क्योंकि जाम जो था ना यार बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा जाम ने, तो आई थॉट कि इसको ये लिए एक ब्रेक ले लेते हैं। अब यहाँ से हमारा कितना 370 समथिंग किलोमीटर बचा है, तो यहाँ से भी अपना रास्ता 370 किलोमीटर के रास्ते बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि स्कूबी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे अपन कॉफ़ी वॉफ़ी भी उठा लेगा, क्योंकि रास्ते में तो भाई दिल्ली की जब क्रॉस करने में तो जो बैंड बजी ना 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया भाई। तो बस जाना वैसे करना हाँ था मेरे को अम्बाला रुकते, बट अब करनाल रुकना पड़ा है, और ये मेरी सबसे पुरानी जगह है रुकने की, सेफ पॉइंट है, वॉशरूम क्लीन है, कॉफ़ी भी मिल जाएगा तो आपको किसी भी टाइम पर। अब यहाँ से बस ये कि लगेगा टाइम, आगे कहीं कुछ मिलता है तो बताता हूँ। ये अपने यहाँ की कॉफ़ी, और रात के कितने बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, और स्कूबिया को देखो हमारे गूगल ने हमारा आज काट दिया है। गूगल ने बेसिकली चंडीगढ़ से आगे नॉर्मल रास्ता जो था वहाँ की जगह पे हमें कहीं खेतों में कहीं दिख रहा हो खेतों में घुसा दिया है, शायद फार्मर प्रोटेस्ट है पता नहीं क्या है, बट अम्बाला से आगे चंडीगढ़ के लिए जो रास्ता कटता है उसकी जगह खेतों में, और वहाँ से जबकि लेफ्ट एंड राइट बहुत कर रास्ते थे। ये देखो इतना बड़ा जाम है यहाँ पर, और जाना इनको कहीं नहीं है यहाँ पर जाने चक्कर में, क्या ही ड्रामा है पता नहीं, देखो कितनी देर तक का जाम होगा। और तो भाई लोगों ये जो टनल है आपकी कीरतपुर वाली जो टनल बनी थी ना मनाली की, जिसने रास्ते को थोड़ा शॉर्ट कर दिया था, गए थोड़ा 2-3 किलोमीटर आ गया है, तो यहाँ से ना जो रोड है ना आप देखो सकरा हो गया है, और स्टार्टिंग में रोड बहुत खराब है, ठीक है, थोड़ा आगे जाके रोड खराब है, वो हम वीडियो बनाते तब तक वो रोड निकल गया, तो ऑफ रोड है, और गाड़ी थोड़ी ध्यान से चलाना यहाँ पे, ये ट्रक ब्रक सामने से आ गया तो पूरा बैक जाओगे, या तो ऐसा कि रूल कोई फॉलो करता नहीं है भाई अप एंड डाउन वाला भाई, कोई खतरनाक सा कुछ रोड आएगा तो बता दूंगा। पेट्रोल पंप होटल के जिस बात ही है इंडियन ऑयल के लेफ्ट कट पे था ब्रिज क्रॉस करते ही, अभी हम जा रहे हैं हम जा रहे हैं तीर्थन वैली में, तो इन बिटवीन कोई है पेट्रोल पंप वहाँ से पेट्रोल फुल कराएंगे अपन, और कुछ ज़्यादा तो बताता हूँ। अपन आज का ब्रेकफास्ट चाय एंड पराठा, तो अपने रूम के पास से ये व्यू आ रहा है टॉप पे अभी, क्योंकि शाम के 5:30 के आसपास हो रहा है, तो अभी तो हम नहा नहीं सकते क्योंकि बहुत ठंडी है, तो लास्ट टाइम हम नहा तीर्थन रिवर में नहा के गए थे, हैं राहुल, हेरा ठंडा पानी था यहाँ पे, हाँ बहुत मज़ा कितना आया था ना लास्ट टाइम, और स्कूबी का सेकंड टाइम हो गया तीर्थन रिवर के पास, लास्ट टाइम जब हम आए थे जून के आसपास आए थे। सो हमारा रूम ये है, देखो रूम इज़ गुड, ठीक है, बेड अच्छा है, स्कूबी का कंबल हो गया, हमारे यहाँ का लगेज हो गया, ठीक है, यहाँ इन्होंने स्लीपर दे दिया, कबड़ भी दे दिया क्योंकि भाई साहब अच्छा है मामला, तो देखो समका के रखा हुआ है, एंड भाई वॉशरूम तो बहुत बड़ा है, ये भी गीजर है। मंगाया अपना चाय एंड पकोड़ा, और उसके बाद हम करेंगे अपना डिनर और मस्त करेंगे एंजॉय। और हमारे भैया कर रहे हैं रेस्ट, इन्होंने पूरे रात गाड़ी चलाई है, सोच रहे हैं बोल रहे हैं कि मुझे परेशान मत करना मैं जाके रेस्ट करूँगा। अभी अपन लोग पकोड़े खा के आ गए नीचे अपने कैंप फायर के अंदर, और स्कूबी को भी ठंडी लग रही थी तो मैं कहा कैंपिंग के आके बैठ जाएगा सही रहेगा, फिर 9 बजे तक डिनर करके सो जाएंगे अपने आराम से ना। हमने स्टार्ट हो गया कैंपिंग के बाद हमारा डिनर, पनीर की सब्जी है मेरे, क्यों मैं वेज हूँ, ठीक है, राइस रोटी सैलेड, और भाई ये चिकन खा रहा है, और स्कूबी को देखो स्कूबी को भी खाना देंगे थोड़ी में,
फिर सो जाएंगे खा के।